तृणमूल कांग्रेस ये बोल सकता है? आप कभी सुना है नरेंद्र मोदी जी को अमित शाह को ऐसे बोलते हुए कि हमारा पार्टी का उसका नाम इस स्कैम में आया है, अगर सबूत हो गया आप बोल उसको बोलिए ये बोल ले जी कि शुभेंदु अधिकारी जी का नाम सीबीआई का एफआईआर में है, अगर ईडी का इन्वेस्टिगेशन में वो अगर गिल्टी प्रूव्ड हो गया तो बीजेपी उसको निकल देगा, ये बोलने का हिम्मत नरेंद्र मोदी जी का नहीं है लेकिन ममता बनर्जी जी का ये हिम्मत। क्यों? क्योंकि ईडी का जो दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ईडी अपनी भावनाओं को डालो अपनी कान में, डायरेक्टर का इलीगली टेन्योर बढ़ाकर जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्न जजमेंट में दिया, तो उसके पहले सुधांशु जी मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं, कल पार्था जी अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाए कहे मोदी जी सबसे महान है, आप सुधांशु जी और सारे भाजपा के प्रवक्ता उनको डिफेंड करते होंगे ठीक उसी तरह जैसे अधिकारी जी को कर रहे, जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा जी को कर रहे। लेकिन सुधांशु जी आपका लॉजिक की मैं दाद देता हूं, आपके पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी में ध्रुव सक्सेना मिलता हुआ आईएसआई के पेरोल पे रहता है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी में वो व्यक्ति मिलता है जो आईएसआई के पेरोल में कश्मीर के अंदर माननीय होम मिनिस्टर के साथ, और आप कहते हो कि नहीं हमें पता नहीं वो तो हमारे वो तो चालती, आपकी इंटेलिजेंस यहां पर फेल हो जाती बाकी लोगों पर आप सफल हो जाते। ईडी का आपका सवाल का मैं जवाब दूं, आपको कैसे पता कि ये पैसे उन्हीं के घर से मिला है, आपको कैसे पता है कि ईडी ने प्लांट नहीं करवाया, क्योंकि ईडी ने तो बहुत चीज कहा है कि हमें ये मिला है वो मिला है, कर्नाटका में हमें डीके शिव कुमार के घर से इतने पैसे मिले। मैं आप इस समय तहसीन भाई देने का प्रयास कर रहे हैं, मान्यवर आप लोग तो अभी सीमा तक आ गए कि प्लांट कराए, अरे भाई आजकल लोग घर में सीसीटीवी लगे होते हैं तो इतना बड़ा तो संदूक भर के लाया गया होगा ना, अगर इतना पैसा कोई लाया होगा जेब में रख के तो लाया नहीं होगा, तो संदूक लाते हुए दिखाने का सीसीटीवी आ जाना चाहिए। तुमसे ना हो पाएगा, अरे आप लोग तो वो गजब के लोग हैं जिन्होंने कह दिया था कि राम जन्मभूमि के नीचे जो खंभे निकल रहे हैं ये लखनऊ म्यूजियम से लाके धर दिए गए हैं, इसलिए अब उस तर्क पे क्या कहा जाए, किसी भी सीमा तक जाकर आप लोग इसको डिफेंड करने का प्रयास करते हैं, ये इनके इन प्रकार इन अपनी बातों को या अपने आप में बहुत दुखद बात रहे। शिखा जी को मालूम होगा कि पीजी अस्पताल में जो एसएसकेएम अस्पताल को जिसको हम लोग पीजी अस्पताल कहते हैं वहां पे एक वुडबर्न वार्ड है, वो वुडबर्न वार्ड एक तैयार करके रखा गया है इस तरह का पॉलिटिकल जिसके ऊपर कोई अरेस्ट हो जाते हैं वो लोग सभी वहां जाते हैं, आपका पास पूरा लिस्ट बता सकते हैं आज तक कौन कौन पॉलिटिकल लीडर उसके लिए सुना है, बहुत अच्छी तरह से फैसिलिटी रखा हुआ है और उसी हिसाब से जाते हैं, तो ये नेचुरल था वो पहले वहां जाना चाहेंगे, लेकिन आज भी हाईकोर्ट ने एक तथ्य दिया कि उनका इस स्कैम में जनरल पब्लिक का ट्रीटमेंट का क्या हाल है, इसलिए बोला कि कोई वहां पे उसके ऊपर भरोसा नहीं रख सकते, तो ये तो बहुत ही सिंपल मामला है नविका जी, सभी लोग करते हैं इसी तरह के चीजें। लेकिन हम ममता बनर्जी को एक बात के लिए श्रेय देना चाहता हूं कि पार्थ चैटर्जी उनका बहुत ही करीब नेता है, आज से नहीं, ममता चटर्जी जब छात्र राजनीति करती थी उसका कॉलेज में उसका पार्थ चटर्जी उसका सीनियर था उसका जन सेक्शन में, तो उसका गॉडफादर जैसा रहा होगा, और आपको याद रहेगा कि अभी ममता बनर्जी जब पूरा डिसॉल्व किया था उनका पार्टी का ऑफिस बेयरर पर एक ही आदमी को रखा था जिसे पहले अपॉइंट किया था वो है पार्थ चटर्जी सेक्रेटरी जनरल, उसके बाद धीरे धीरे बाकी लोग आ, तो बहुत ही, तो उसी आदमी को जो उन्होंने कह रहा है आज कि उसको हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे उनको ऊपर, ये बहुत, और एक मुख्यमंत्री को हम लोग को पता है जो सभी को बोल रहे ये कट्टर देश प्रेमी है, ये सर्टिफिकेट दे रहा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसके ऊपर भी ईडी का जांच हो रहा है, तो वो जगह पे अगर ममता बनर्जी ये कह रही है तो उसके लिए उनको श्रेय मिलना चाहिए। देखिए और एक बात हम टिप्पणी देना चाहते हैं जो शिखा जी ने कहा, ये बहुत अहम बात है, पश्चिम बंगाल के लोग जिसको मालूम है, हम नहीं जानना चाहते कौन करप्शन में लिप्त है, पहले सीपीएम का जमाने में भी कहा जाता था, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग क्यों बार बार एक ही पार्टी को वोट देते, तो एक थियोरी इसका है जो आप लोग कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम, जो लोग पूरा किसी में आ जाते हैं ना किसी का घेर में फिर उसका बोलता है किडनैपर का साथ भी उसका प्रेम हो जाता है। अब तो सर बोल दे भोसड़ी के।